हेलो फ्रेंड्स, अभी हमारे पास ये बोस का सिस्टम आया है। इसका मॉडल नंबर है AB35 कंट्रोल कंसोल। तो इसमें फॉल्ट ये आ रहा है कि सब कुछ वर्किंग है और इसमें से साउंड नहीं आ रही है। तो साउंड के लिए सबसे हमें पहले चेक करना है कि बूफर का जो मेन पावर है वो कनेक्ट ढंग से है, और इसका जो अडेप्टर है उसमें पावर वगैरह सही आ रही है, फंक्शन सारे काम कर रहे हैं बाकी, और साउंड नहीं आ रही है। तो सबसे पहले हमें चेक करना पड़ता है इसके अंदर कि यहाँ पर नीचे की साइड में इस जगह पे एक हल्की सी ग्रीन लाइट जलेगी। अगर वो नहीं जलती है तो इसके ज़्यादातर सप्लाई सेक्शन में प्रॉब्लम होता है, इस बेस बेस यूनिट में, इस वाले सिस्टम में। तो हम इसको खोल के चेक करते हैं और देखते हैं फॉल्ट। हमने इसे ओपन कर लिया है ये, और ये बैक साइड से ये है, इस तरह का दिखेगा ये। ठीक है, इसके ये कनेक्टर हैं ये हटा लेने हैं, और ये सप्लाई इसकी कुछ इस तरह से दिखेगी, सप्लाई है। और इसमें देखिए, हमें इसमें कुछ दिखा, ये देखिए यहाँ पर ये रेजिस्टेंस जली हुई है जो कि सप्लाई सिग्नल ले जाती है। ठीक तो ये हमारा सिस्टम ओके हो गया है, देख पा रहे हैं यहाँ पर पावर आ गई। इसको हम यहाँ से रिमोट से ऑन करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये लाइट यहाँ पर ब्लिंक करने लग गई है। तो जो हमारी सप्लाई में फॉल्ट था वो रिपेयर हो गया है। इसके अंदर सप्लाई होती है, जो हमने फॉल्ट रखी थी वो रिपेयर हो गई है। उसके बाद ये यहाँ पर आने लग गया है। अब हम इसकी साउंड टेस्ट करते हैं। तो देख पा रहे हैं, ये हमने अपना एफएम सेट कर दिया, बेस आने लग गई है। ये हमारी लाइट इधर नहीं ऑन हो रही थी, और यहाँ ये सिस्टम में साउंड लगाते हैं कनेक्शन, तो इसकी आवाज़ बंद कर देंगे। तो इसमें जो बूफर का जो साउंड देना होता है वो इस वाले कनेक्टर से ऑडियो आउट दे के इसके इधर केबल में लगा देना होता है, ठीक है। इसमें बाकी सारे स्पीकर लग जाएंगे, और इसमें हमारा ये बोस मॉड्यूल से कनेक्ट है, वायर स्पीकर आउट ऑडियो आउट से वहाँ पर। ये हमारा ओके हो गया।